जनपद में इस समय कच्छाधारी गैंग का खूब चल रहा है। चारों ओर कच्छाधारी गैंग की जगह जगह चर्चाएं हैं, जिसमें लोगों में खौफ बना हुआ है। वहीं जनपद मथुरा के शेरगढ़ कस्बे में एक मानसिक रोगी को पब्लिक के द्वारा कच्छाधारी बताकर उसके साथ हाथापाई कर दी। कच्छाधारी की सूचना पर शेरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच रही है और उसे अपने साथ थाने ले आई। ऐसे ही एक और शेरगढ़ कस्बे में स्थित मस्जिद से पकड़ा गया था। तब हम पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो वह मानसिक रोगी निकली। एक तो एक वक्त तो बोल भी नहीं सकता था। इसी को देखते हुए शेरगढ़ पुलिस ने उनको कोकिला वन टवन धाम में स्थित अपना घर आश्रम में उन्हें उपचार के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन ने बताया कि कक्षाधारियों को सिर्फ अफवाह है, इन पर जनता ध्यान ना दे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए लिहाज से सतर्क रहे। अगर किसी को संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे, इससे उसकी जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाए और अच्छे नागरिक होने के नाते अफवाहें ना फैलाएं। सर, जो आजकल अफवाहों का दौर जोरों पर है, बच्चों को उठाने वाले ग्रहों संबंधित चर्चाएं आमतौर पर चलती रहती है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, छाता सर्कल में जितने भी गांव आते हैं उन सभी यहाँ के निवासियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अफवाहों पे ना जाएं और आप सतर्क रहें और सजग रहें। और इस तरह की अफवाहें रोज़ सुनने को मिलती है कि कच्छाधारी गैंग आ गया है, घुमक्कड़ जाति वाले आ गए हैं और वो इस तरह की घटना कर सकते हैं, तो उसके लिए सतर्कता ज़रूरी है और अपनी सुरक्षा के हिसाब से जो मापदंड है वो अपनाएं और किसी तरह की अफवाह ना अपनाएं। हालांकि जो बावरिया गैंग है उसने भरतपुर में 4-5 घटनाएँ करी हैं और उसके लिए पुलिस भी लगातार सतर्कता बनाए रहती है, लगातार चेकिंग और पेट्रोलिंग होती रहती है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। बस जो जितने भी निवासी हैं छाता सर्कल के, उन सबसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि वो सतर्क रहें और अगर कोई बाहर का आदमी उनको दिखता है, संदिग्ध आदमी दिखता है, तो उसके बारे में जानकारी पुलिस को दें और हमें बताएं, जिससे कि हम उनका सत्यापन कर पाएं, उनकी चेकिंग कर पाएं, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि उनके आसपास कौन रह रहा है, कौन नया आदमी उनको दिख रहा है, कौन संदिग्ध आदमी है, उसकी चेकिंग हो जाएगी, उसका सत्यापन हो जाएगा, तो उसी से बहुत हद तक रोकथाम लग जाती है इस तरह की अफवाहों पर भी और इस तरह की घटनाओं पर भी।